नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। शरद पवार की पत्नी बेटी ने विपक्षी कैंडिडेट से लिया 85 लाख का लोन। बारामती से कनेक्शन। महाराष्ट्र में बारामती की जंग पवार परिवार के लिए अहम हो गई है। एक ओर जहां महाविकास अघाड़ी यानी MVA से दिग्गज नेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले मैदान में है, वहीं महायुति ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को यहां उम्मीदवार बनाया है। अब खुलासा हुआ है कि सुनेत्रा ने सीनियर पवार की पत्नी और बेटी को 80 लाख रुपए से ज्यादा का लोन दिया है। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से लगातार 3 बार की सांसद सुप्रिया सुले पर उनकी भाभी और विरोधी खेमे से उनके खिलाफ लड़ रही सुनेत्रा पवार का 45 लाख रुपए बकाया है। यह जानकारी सुले ने गुरुवार को नामांकन पत्र के साथ संलग्न हलफनामे में दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार की बेटी का मुकाबला चचेरे भाई अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार सुनेत्रा से है। सुनेत्रा अजीत पवार की पत्नी हैं। सुले की तरफ से दाखिल हलफनामे के अनुसार उन पर अजीत और सुनेत्रा पवार के बेटे पार्थ पवार का भी 20 लाख रुपए बकाया है। सुले और सुनेत्रा पवार दोनों ने दिन की शुरुआत में यहां काउंसलिंग हॉल में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष बारामती लोकसभा के लिए अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सुप्रिया सुले के मुताबिक उनकी और उनके पति सदानंद सुले की कुल चल संपत्ति 114 करोड़ रुपए से अधिक की है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।